हेलो एवरीवन, इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड दैट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से काम करती है ना। तो सपोज देयर इज अ चार्ज क्यू, पिछली वीडियो में बताया था कि जो चार्ज क्यू है ये अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बिछा देता है, जिसकी वजह से उस सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज होता है आउटवर्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज होता है तो इनवर्ट की तरफ निकलती है, और कोई दूसरा चार्ज फॉरेन चार्ज अगर क्यू नॉट सपोज मान लेते हैं, है ना, क्यू नॉट, तो ये इस सराउंडिंग में जब आता है तो इस क्यू नॉट पे एक फोर्स एग्जर्ट होता है इसके द्वारा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उसकी जो वैल्यू होती है फोर्स की, जो क्यू नॉट पे लगने वाला है, उसकी वैल्यू होती है उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू वो जो मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट का, उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात, अगर मैं लार्जर वैल्यू ऑफ फोर्स रखूँगा तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और कम वैल्यू ऑफ फोर्स रखूँगा तो वो भी कम लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है इसकी वजह से, है ना। तो ये हमने कंसेप्ट देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझा, और एक और चीज़ देखी थी हमने कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती है तो वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो होता है अपना, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होता है, इस तरीके से होता है, यानी अगर कोई दूसरा फॉरेन चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ मैं, यहाँ पे रख दिया सपोज मैंने चार्ज, तो इस पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, है ना। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव, अगर नेगेटिव चार्ज रखा है मैंने तो वो इस तरफ मोशन करेगा। तो ये हमने देखा था पिछले वीडियो में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हमने समझा था। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के ऊपर, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है अपना इंकजेट प्रिंटर का, इंकजेट प्रिंटिंग बहुत शानदार एग्जाम्पल है इंकजेट प्रिंटर को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के ऊपर ही वर्क करता है ये। तो इंकजेट प्रिंटर किसे वर्क करता है वो समझते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर में होता क्या है, एक जनरेटर होता है, जनरेटर क्या करता है, हाँ पहली बात ये, जो इंकजेट प्रिंटर में जो ड्रॉपलेट होती है, एक सिंगल लेटर को लिखने के लिए हमें 100 कम से कम 100 ड्रॉप लग जाती है, स्मॉलेस्ट ड्रॉप। सपोज़ जो अपन जैसे प्रिंटर्स में जो पेपर निकलते हैं, तो सपोज़ देर इज लेटर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ना, तो इस ए को लिखने के लिए देर आर 100 ड्रॉप लग जाते हैं मुझे, मतलब इतने छोटे छोटे से ड्रॉप करता है ये जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, उस इंक में, इंक जो आती है यहाँ पे जो कॉटराइज लगाते हैं, तो उसमें से इंक लेता है, उस इंक को 100 ड्रॉपलेट में तोड़ देता है, और उन एक एक ड्रॉपलेट को एक कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता है। तो जो इतने छोटे होते हैं वो अपनी आंखों से उन ड्रॉपलेट्स को हम देख नहीं सकते, तो जो ड्रॉपलेट्स जो जनरेटर से निकलते हैं वो फिर आते हैं यहाँ पे सोर्स चार्ज पे, इनपुट सिग्नल, यहाँ पे होता है इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है ना, चार्जिंग यूनिट, इसको बोलते हैं चार्जिंग यूनिट। चार्जिंग यूनिट इसलिए बोलते हैं, वो जो सिंगल जो बिल्कुल माइक्रो फाइन टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो ये चार्जिंग यूनिट क्या करती है, उन माइक्रो ड्रॉप्स को क्या करती है, एक चार्ज प्रोवाइड कर देती है। नेगेटिव जनरली होता क्या है, जो इतने छोटे होते हैं उनको ये चार्जिंग यूनिट इनपुट सिग्नल जो अपन टाइप करते हैं उसके अकॉर्डिंग सिग्नल चेंज करके इसको जो टाइनी ड्रॉपलेट है उसको चार्ज प्रोवाइड करती है। फिर वो क्या होता है, उसकी वजह से ये जो टाइनी ड्रॉपलेट है इसको एक चार्ज मिल जाता है, है ना। फिर चार्ज क्या होता है, ये टाइनी ड्रॉपलेट है उसके बाद में एक आता है आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है, कांस्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है इस तरीके से। अब होगा क्या, यहाँ पे ये जब जो फाइनली इतना टाइनी ड्रॉप जो है इंक का, इसमें चार्ज भी है, एक वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर दी थी जनरेटर ने, जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाता है। अगर इसको चार्ज नहीं होता, इसमें सिर्फ वेलोसिटी होती है, अगर ये जो है ये चार्जिंग यूनिट में इनपुट सिग्नल अगर नहीं प्रोवाइड होता, तो ये जो टाइनी ड्रॉप था इसका जो पाथ होता ये कुछ सीधे सीधे निकल जाता, पर यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट सिग्नल ने इसको एक चार्ज प्रोवाइड कर दिया कूलम में, तो उससे क्या हुआ, ये जब चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो इसका जो पाथ है वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हुआ। और जनरली होता क्या है, इस टाइनी ड्रॉपलेट को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये मोशन जो होता है इसका इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये सिंगल जो टाइनी ड्रॉपलेट। अब देखो इस तरफ क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अपोजिट मूव होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जब इस तरफ आएगा तो इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा, तो उस वजह से इसका जो पाथ है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम रख देते हैं हमारा पेपर, तो इस पेपर के ऊपर
वो जो स्मॉलेस्ट टाइनी ड्रॉपलेट वो यहाँ पे स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, तो हमें एक लेटर बन जाता है। वही तो सिंगल ड्रॉप है, यहाँ पे 100 ड्रॉप एक साथ निकलते हैं और हर ड्रॉप्स को अलग अलग चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट रखी जाती है और चार्ज डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट रखते हैं, वो फोर्स अलग अलग रखना है, तो उसको चार्ज भी हम अलग अलग प्रोवाइड करते हैं। अगर ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड किया तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो होगा उसके ऊपर ज़्यादा होगा, और डिफ्लेक्ट भी जो है पार्टिकल, दूसरा जो पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, है ना। उसको चार्ज अगर मैंने कम प्रोवाइड किया तो वो कम डिफ्लेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये इंकजेट प्रिंटर का वर्क का कंसेप्ट काम करता है। हम बिल्कुल चार्ज प्रोवाइड करते हैं उसको, सिंगल मतलब इतना छोटा ड्रॉपलेट होता है वो इंक का, उसको यहाँ पे चार्जिंग यूनिट पे चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने पाथ से, और वहाँ पे अपन को अल्फ़ाबेट्स लिखे दिखते हैं। सो थैंक यू। ये कंसेप्ट होता है इंकजेट प्रिंटिंग का।